अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सबीरा जंग है। जो नुहू से अलवर तक हाईवे है, इनका बजट मंजूर हो गया, भारत सरकार ने मंजूर कर लिया 186 करोड़। हमने 15,000 लोगों का साइन करा के भारत सरकार को भेजा था, तो अब ये मंजूर हो गया। हमने बहुत खुशी महसूस हो रही है, हमने मेहनत करी तो हमको मेहनत का फल मिल गया। हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री का, उनने हमारी बात मानी। उनने पहले मना भी कर दिया था, फिर हम बार बार प्रयास करते रहे तो हमारी बात उन्होंने मान ली। मेरा नाम राजुद्दीन है और हमने काफ़ी लंबे समय तक क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एक संघर्ष किया था। नुहू से लेकर नौगांव बॉर्डर, अलवर बॉर्डर तक जो हमारा 248 नंबर हाईवे है, इसको 4 लेन कीजिए, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया था। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया था, हम मिले थे उनसे और भारत सरकार भी मना कर रही थी, लेकिन हम लगातार कोशिशें करते रहे, क्षेत्रवासियों के साथ मिल के कोशिशें होती रही और हमने फिर 15,000 लोगों के साइन कराया। जो संगठन है मेवात आरटीए मंच, गाली मोजी खान फाउंडेशन, जागो चलो महिला मंच, आज उसका असर ये हुआ कि जो 15,000 साइन माननीय प्रधानमंत्री को भेजे गए थे, तो अब प्रधानमंत्री के आदेश पर NHAI जो राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का, उसने 186 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया है और जल्दी ही इसका 4 लेन का काम शुरू होगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कुछ बजट मंजूर किया था 192 करोड़ रुपये, लेकिन भारत सरकार ही NHAI ही इस रोड को बनाएगी, ये बड़ी कामयाबी है। इसके लिए बड़कली चौक पर 2018 में 1 से 6 नवम्बर हरियाणा दिवस पर धरना हुआ था, 2020 में 1 से 23 नवंबर तक एक धरना हुआ था और उससे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, तब जाकर ये कामयाबी मिली है। हम क्षेत्रवासियों का, माननीय प्रधानमंत्री का और सभी का, नितिन गडकरी जी।